नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ द सम ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी विथ थीटा एज द एंगल बिटवीन देम. तो हमारे पास द वैल्यू ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी विद थीटा एज द एंगल बिटवीन देम इज. तो हमारे पास ए और बी वेक्टर दे रखे हैं, एंगल क्या दे रखा है हमारे पास थीटा. तो हमने क्या बताना है कि एंगल बिटवीन देम थीटा एज द एंगल बिटवीन देम. तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर अगर हम लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस थीटा पूरे का अंडर रूट. ओके, हमें गिवन क्या था, हमें गिवन ए एंड बी वेक्टर दे रखे थे और एंगल बिटवीन देम क्या दे रखा था थीटा. तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, आर आएगा. अगर इन दोनों की वैल्यू दे रखी तो हम थीटा निकाल सकते हैं, अगर थीटा की वैल्यू दे रखी है तो हम ए और बी वेक्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं.